नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की योम पैदाइश के मौके पर मनाए जाने वाले ईद मीनादुन्नबी का जश्न रीवा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बताया गया कि मीनादुन्नबी का पर्व 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी बैठक आज मदरसा अंजुमन इस्लामिया में की गई है। बैठक के दौरान पर्व की तैयारियों सहित शहर में निकलने वाले भव्य जुलूस की रूपरेखा तैयार की गई है। 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले त्योहार को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि सुबह तकरीबन 10 बजे खोगर की इस्लामिया स्कूल से भव्य जुलूस निकलेगा, जिसमें बिछिया, तरहटी, बाढ़ सागर, बोदाबाग व ढिकाहा का जुलूस शामिल होकर छोटी दरगाह पहुंचेगा। कमेटी ने रीवा के सर्वधर्म से अपील की है कि इस खुशी के मौके पर सभी शामिल होकर एकता का परिचय दें। तो आइए सुनते हैं क्या कहा कमेटी के पदाधिकारियों ने। कार्यालय व अंजुमन इस्लामिया स्कूल इंतजामिया कमेटी घोगर रीवा की जानिब से एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक पर आपसी परामर्श में इंतखाब नहीं हो पाया। उस पर सभी समाज के लोगों ने एक राजकुमारी उसी दिन की थी, वही संचालन समिति का गठन किया। समिति का गठन किया गया और गठन आपसी सौहार्द भाईचारे को कायम करने में। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मुबारक पर हम अहले वतन को मुबारकबाद देते हैं और आप सबके माध्यम से और विचार से जो ये पर्व है, इस पर्व को एक आपसी भाईचारे के साथ मनाने की दूसरी इसीलिए पत्रकार वार्ता का ध्यान रखा गया। इस पर सर्वसम्मत से अंजुमन इस्लामिया कमेटी के प्रबंधक अध्यक्ष हैं, उन्हें संयोजक बनाया गया। उन्हीं के संचालन पर शहर के सारे वरिष्ठ लोग संचालन समिति के सदस्य होंगे और बिल्कुल लोग सब लोग एक साथ होंगे, इस पर्व को मनाएंगे। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा जश्न को मनाने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? अब इसके विषय में हमारे संयोजक महोदय से परामर्श दी जाए, हम लोगों ने तय कर लिया। ये बात पर आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व रीवा शहर में वक्फ अंजुमन इस्लामिया स्कूल के पूर्व सदर लाल मोहम्मद साहब ने ईद मीलादुन्नबी की जश्न की परंपरा इसी अंजुमन इस्लामिया स्कूल से स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर के जुलूस का प्रारंभ किया था। वो जुलूस सिर्फ मुख्तसर मोहल्ले के कुछ गलियों में निकला, इस तरीके से धीरे धीरे फिर जुलूस का बृहद रूप जो अब आपके सामने है। और जुलूस की जो गैदरिंग का वो है, घोगर वक्फ अंजुमन इस्लामी स्कूल में सुबह बाद नमाज फजर कुरान खानी और 10 बजे से यहाँ फातिहा खानी के बाद मासूम मिल्लत कमेटी के द्वारा खाने काबा का टुकड़ा जो यहीं पे बगल में बन रहा, उसको जुलूस में शामिल हो करके जुलूस यहाँ से रवाना होगा। मस्जिद विशालदार की में फातिहा खानी का आयोजन होगा, वहाँ से भी इस्लामी टुकड़े शामिल होंगे। हमीदिया कॉलोनी जगह से एक जुलूस चलेगा, विजय स्तंभ होते हुए बड़ी पुल से होकर के विशालदार मस्जिद में शामिल होगा। मुख्य जुलूस वही जुलूस पहुँचेगा सोनी बिल्डिंग से, जहाँ पे विषय दारा साहब से जुलूस प्रारंभ होगा, जो तरहटी होते हुए तरहटी के जुलूस को शामिल होकर के सोनी बिल्डिंग पे मुख्य जुलूस में शामिल होगा। ये जुलूस जब आगे जाएगा तो फोर्ट रोड होते हुए स्टेचू चौराहा प्रकाश चौराहा, तो प्रकाश चौराहे पर गोदाबाग का जुलूस खुद ही के जुलूस से शामिल होकर के शिल्पी प्लाजा होते हुए प्रकाश चौराहे में शामिल होगा। जब ये जुलूस आगे पहुँचेगा छोटी दरगाह पे, तो वहाँ पे फातिहा खानी लंगर के बाद जो नए बस स्टैंड से एक जुलूस प्रारंभ होगा, वो जुलूस आएगा बाण सागर के जुलूस को शामिल करते हुए धोबिया टंकी, और धोबिया टंकी से वो जुलूस आकर के मुख्य जुलूस पे हाथुदा चौराहे में शामिल होगा।
तत्पश्चात ये जो मुख्य जुलूस जो है ये बड़ी दरगाह पहुँचेगा, वहाँ पातिया खानी लंगर, इसके पश्चात वहाँ जुलूस का समापन होगा। जो गोदाबाग और कुटेही के लोग हैं वो बड़ी दरगाह से सीधे उस मार्ग से जाएंगे, नए बस स्टैंड वाली भी सिरमौर चौराहे होते हुए इस तरह से वापसी घोघर के जुलूस की रहेगी। वो कला मंदिर होते हुए, साईं मंदिर होते हुए वापस होगा। पहले ये देखा जाता रहा है कि जुलूस यहाँ इकट्ठा होता था, इसके बाद सोनी बिल्डिंग में जुलूस मिल के सीधे छोटी दरगाह समाप्त होता। इस बार जैसे धीरे धीरे कई स्थानों से जुलूस निकला, इनके सब जो जुलूस निकल रहे हैं सब के जो प्रबंधन रहेंगे उनका तय कर दिया गया कि ये लोग इनको कमांड करेंगे। सारी चीज़ स्कूल निर्धारित है, जो लोग यहाँ पास जुलूस का संचालन करते हैं, चाहे विद्या कॉलोनी हो, चाहे विशालधर मस्जिद हो या कुटेही हो, सारे लोगों से रब्त रहता है। और ये ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये रूट मेरा प्रथम टाइम रहा, ये पिछले लगभग हम यहाँ पे जब से अध्यक्ष हैं तब से इतने पॉइंट से जितने पॉइंट हमने आपको गिनाया है उतनी जगह से जुलूस निकल रहा है और इसी तरह से चल रहा है। समय बता दीजिए कहाँ पर? समय सर 10 बजे का निर्धारित है, यहाँ से 10 बजे फातिहा खानी के तत्पश्चात यहाँ से जुलूस रवाना हुआ। देख रेख कौन कर रहा है? क्योंकि इतने लोगों की गैदरिंग, संपूर्ण लोगों की यहाँ बात एक बार में संभव नहीं हो सकती, और अलग अलग क्षेत्र से जुलूस आ रहा, तो उस तरीके से हम लोगों ने बैठकों के माध्यम से चालित करते कि आपको यहाँ पे मिलना है, आपको यहाँ पे मिलना है। और सारे लोग जो लोग वहाँ के जो वो रहते हैं इंतजामदार जिस जगह के, उनसे कनेक्ट करता। इसमें जैसे आपने पूछा कि देख रेख के लिए, तो श्रीमान मैं ये बताना चाहता हूँ कि संचालन समिति है और समिति में हमारे सरप्रस्त कमेटी के लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, संचालन समिति में हमारे युवा साथी हैं और संचालन में वही सब लोग जो लोग जहाँ जिस जगह के इंतजामदार हैं।